वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो फार एज आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर इज कंसर्न, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन ब्रेन एंड इन विच वी लर्न वेयर इज द लोकेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मिड ब्रेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मिड ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज मीजन सेफलॉन। मिड ब्रेन इज द रूडिमेंटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, दैट मीन्स सिग्निफिकेंटली इट इज स्मॉलर इन साइज। Significantly, it is smaller in size and is located between the forebrain and hindbrain part of the human brain. For example, I will remind you, the longitudinal section of human brain, in which we learned in the previous video lecture that this is the forebrain part of human brain. And just below the forebrain, there is a rudimentary part of human brain which is called as midbrain, which is in between the forebrain and hindbrain. This is the hindbrain part. In between the forebrain and hindbrain, there is a midbrain. This is the significantly it is smaller in size and this is located in between the forebrain and hindbrain of human brain. If we will talk about the structure of this midbrain, it has a canal which is called as cerebral aqueduct. बट इस मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हमने इजिली समझना है, देन वट वी हैव टू डू दिस मिड ब्रेन वी विल अंडरस्टैंड इट बाई मेकिंग द डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन किन चीजों का बना हुआ होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मिड ब्रेन की एक ट्रांसवर्स सेक्शन हम बनाएंगे जिससे हम इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज टू थिक फाइबरस ट्रैक्ट्स। द मिड ब्रेन पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन हैज टू थिक fibrous tract called as cerebral peduncle, called as cerebral peduncle or crura cerebri। हमारा जो मिड ब्रेन होता है, जो इन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन लोकेटेड होता है, ये इंटीरियरली इसमें फाइबरस, दो फाइबरस ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम सेरिब्रल पिडंकल और क्रूरा सेरिब्राई के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये बेटा ये सेरिब्रल पिडंकल और सेरिब्रल क्रूरा सेरिब्राई, ये सेरिब्रल पिडंकल या क्रूरा सेरिब्राई क्या होता है। ठीक, दिस इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है ना, जो कहां से होगा, दिस इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर साइड, ये इसके एंटीरियर साइड से लोकेट होगा और इसका काम क्या होता है, इस सेरिब्रल पेडंकल वाले पार्ट का, इसका खाली इतना काम होता है कि ये एज एन रिले, ये इट रिलेज द मैसेज, जो इंफॉर्मेशन आती है उसको ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये क्या कहेगी, हिंड ब्रेन के पार्ट से उठा के इसको फॉरवर्ड
करेगा, ऊपर वाले पार्ट को फॉरवर्ड करेगा. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मिडब्रेन, दैट इज द अपर मोस्ट पार्ट विच इज नोन एज स्टेक्टम. मिडब्रेन में हमने देखा कि दो फाइबरस ट्रैक्ट्स का बना होता है, वो फाइबरस ट्रैक्ट्स सेरिब्रल पिडंकल या क्रूरा सेरिब्रे के नाम से जाने जाते हैं. ठीक, दीज कॉजेस द कनेक्टिविटी बिटवीन द फोर ब्रेन पार्ट एंड हिंड ब्रेन पार्ट, एंड द फंक्शन ऑफ दिस सेरिब्रल पिडंकल इज टू रिले द इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हिंड ब्रेन पार्ट टू द अपर मोस्ट पार्ट्स. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज this portion. It is called as I already told you that this is the transverse section of midbrain. और ये transverse section of midbrain में हमने देखा कि दो fibrous tracts होते हैं जिनको हम cerebral peduncle कहते हैं, और इनके ऊपर वहां पे four swellings होते हैं. Four swellings. These four swellings together are called as, इनको क्या बोलते हैं हम, कार्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया, कार्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया, बिकॉज दीज आर फोर इन नंबर एंड आर कॉल्ड एज कार्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया. व्हाट आर दीज फोर स्वेलिंग्स, दीज फोर स्वेलिंग्स ईच दीज आर जस्ट लाइक द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स विच आर लाइंग वन अबो द अदर, two on one side and two on the other side. These two swellings are called as, each swelling is called as, this globular structure is called as collicule. Four swellings यहां पे present होती है जो globular structures होते हैं जिनको मिला के हम चारों को कार्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया के नाम से जानते हैं. ठीक, और ये जो swellings वहां पे होते हैं, दीज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स विच आर टू ऑन द वन साइड एंड टू ऑन द अनदर साइड, दीज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कॉलिक्यूल्स. ईच ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉलिक्यूल, और वी कैन से कॉलिक्यूलाई. दो कॉलिक्यूलाई एक साइड में एक दूसरे के ऊपर होते हैं. ठीक, वन इज द इंफीरियर कॉलिक्यूलाई एंड सेकंड इज द सुपीरियर कॉलिक्यूलाई. इंफीरियर कॉलिक्यूलाई एंड सेकंड इज द सुपीरियर कॉलिक्यूल. द इंफीरियर कॉलिक्यूलाई इज रिलेटेड विद ईयर. जो इंफीरियर कॉलिक्यूल है, दोनों साइड से दो दो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ईच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉलिक्यूल, एंड दीज टू आर वन अबव द अदर, द इंफीरियर कॉलिक्यूल एंड सुपीरियर कॉलिक्यूल. द इंफीरियर कॉलिक्यूल इज रिलेटेड विद एयर एंड द सुपीरियर कॉलिक्यूल इज रिलेटेड विद आई. तो दैट मीन्स जो भी रिसेप्शन स्टिमुलाइज एयर और आई से आएंगी, रिसीव हो जाएंगी, उनके लिए जो प्रोसेस करनी है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराने के लिए कि उनके अगेंस्ट, फिर उन रिसेप्टर्स रिसेप्शंस के अगेंस्ट जो हमने रिफ्लेक्स मूवमेंट्स करानी है हेड नेक और ट्रंक में, तो वो कौन चीज यहां पे प्रोसेस करता है, दीज कार्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया विच आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द मिडब्रेन. ठीक है बेटा, तो ये जो इंफीरियर कॉलिक्यूल और सुपीरियर कॉलिक्यूल, ये दोनों साइड से मिडब्रेन में होते हैं. ठीक है, दीज आर लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड विच आर इन दिस ट्रांसवर्स सेक्शन, वी कैन सी इट ऑन द डॉर्सल साइड, एंड दिस इज आल्सो नोन एज स्टेक्टम पार्ट ऑफ मिडब्रेन, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स इन द हेड नेक ट्रंक ऑन द अगेंस्ट टू द रिसेप्शन स्टिमुलाइज ऑफ एयर एंड आई. ठीक है बेटा, आई होप यहां तक बेटा आपको स्ट्रक्चर मिडब्रेन का समझ आया होगा. देन इट हैज वन मोर स्ट्रक्चर जो ट्रांसवर्सली हमें बीच में दिखता है. ठीक है ना, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बात करी थी
कि जो हमारे पास फोर ब्रेन मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के साइड में यहां पे एक कैनाल होती है जिसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट के नाम से जानते हैं, और वी कैन से इट इज द आइटर, आइटर इसका दूसरा नाम है। ठीक, तो वो कहां पे यहां से ट्रांसवर सेक्शन में कहां पे दिखेगा, दैट विल बी अपियर इन द सेंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक, और ये स्ट्रक्चर क्या है यहां पे, दिस इज द सेरिब्रल एक्विडक्ट, और ये सेरिब्रल एक्विडक्ट का काम क्या होता है मिड ब्रेन में, दिस कनेक्ट द थर्ड वेंट्रिकल विद द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ हाइंड ब्रेन। व्हाट आर दीज वेंट्रिकल्स, दिस सेरिब्रल एक्विडक्ट विच इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन कनेक्ट थर्ड वेंट्रिकल विद द फोर्थ वेंट्रिकल। बेटा आपको मैं पहले बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन में इंटरकनेक्टेड कैनाल्स होते हैं, इट ह्यूमन ब्रेन हैज इंटरकनेक्टेड कैनाल्स विच आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक, ये वेंट्रिकल्स किस लिए होते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, इनका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इनका काम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाने का। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कैनाल्स कहां पे होंगे, दीज वेंट्रिकल्स आर लोकेटेड इन द फोर ब्रेन डाइनसेफेलॉन, सेरिब्रम वाले पार्ट में दो होते हैं जिनको हम फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल कहते हैं, वही कैनाल फिर कंटिन्यू रहती है डाइनसेफेलॉन में। ठीक है, डाइनसेफेलॉन में इस कैनाल को क्या बोलते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल, एंड देन दिस थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, इज कनेक्टेड विद द फोर्थ वेंट्रिकल विच इज कैनाल, इंटरकनेक्टेड कैनाल प्रेजेंट इनसाइड द हिंड ब्रेन, और इन कैनाल्स को थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ हिंड ब्रेन इज कनेक्टेड बाई सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है ना, जो एक कैनाल रहती है मिड ब्रेन में। ठीक, दिस कैनाल इंटरकनेक्ट्स थर्ड वेंट्रिकल विच इज प्रेजेंट इन द डाइनसेफेलॉन, द थर्ड रीजन ऑफ फोर ब्रेन, एंड फोर्थ वेंट्रिकल विच इज प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन पार्ट। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, आई होप यहां तक आपको स्ट्रक्चर मिड ब्रेन का समझ आया होगा। तीन चीज मैंने बोल दी है इसमें क्या करना है आपको, कि ये जो मिड ब्रेन है सबसे पहले इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन से देख लेंगे, इजीली समझ आएगा हमें। ठीक, इसमें दो फाइबरस लोब्स होते हैं क्रूरा सेरिब्रे, इट रिलीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिडुला विच इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन टू अपर पार्ट थैलेमस विच इज द पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। उसके बाद हमने बोला था कि यहां पे कुछ स्वेलिंग्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिक्यूलाई या कॉलिक्यूल बोलते हैं, और उन कॉलिक्यूल्स को, चारों कॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं एक साथ, नाम कार्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया, जिनका काम होता है ईयर और आई के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेना। ठीक है, जो भी स्टिमुलस हमें वहां से आएगा ईयर से, और जो भी स्टिमुलस हमें आई से आएगा, ठीक, उनके साथ डील कौन करेगा, यहां पे कार्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया। ठीक, उसके बाद हमने तीसरी चीज बोली मिड ब्रेन में, दैट इज सेरिब्रल एक्विडक्ट, दिस कैनाल कनेक्ट द थर्ड वेंट्रिकल विद फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल लाइज इनसाइड द डाइनसेफेलॉन एंड फोर्थ वेंट्रिकल लाइज इनसाइड द हिंड ब्रेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक, तो इसके बाद बेटा हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की फंक्शंस क्या होती है, इट कंट्रोल्स, ये कंट्रोल क्या करेगा, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड नेक एंड ट्रंक इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी एंड विजुअल स्टिमुलस। मतलब क्या होता है इस बात का, कि ये जो हमारे पास मिड ब्रेन होता है ये हेड में, नेक में और ट्रंक में, तीनों चीजों में ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स करा सकता है, लेकिन जब हमने स्टिमुलस रिसीव होगा कहां से,
ईयर से और आई से, ठीक। और भी काम होता है इसका, इट चेंजेस द, इट आल्सो कंट्रोल्स द आई मसल्स, ठीक है। इट्स चेंज रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द आई मसल्स, इट्स चेंज द साइज ऑफ पुपिल इनसाइड द ह्यूमन आई एंड ऑल्सो चेंजेस द साइज ऑफ आईलेंस। दिस इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन विच इज द रुडिमेंटरी स्मॉलर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। Now we will discuss about the third part of human brain, that is hindbrain. The hindbrain, which is the posterior part of human brain, which is also known as rhombencephalon. This is the posterior part. ये तीसरा part होता है human brain का, ठीक है, जो बना हुआ होता है, which is comprised of pons or pons veroli, cerebellum एंड मेडुला ओब्लॉन्गेटा, और सिंपली वी कैन से मेडुला। हिंडब्रेन और रोम्बनसेफेलॉन इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच इज जस्ट बिलो द मिड ब्रेन विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। And this hindbrain part, posterior part of brain, consists of three parts. One is the pons, cerebellum and medulla oblongata. The largest part in this hindbrain region is cerebellum. Cerebellum is the second largest part of human brain. Second largest part of human brain. It constitutes 12.5% of human brain. It is the second largest. The first largest part of brain is cerebrum, which is the part of forebrain, and the second largest part of human brain is cerebellum, which lies on the posterior side of human brain. This cerebellum has two regions, just like the cerebrum, where we learned that there were cerebral hemispheres, the right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. In case of cerebellum, यहां पे भी दो lateral parts होते हैं जिनको हम cerebellar hemispheres कहते हैं, ठीक है। The cerebellar cerebellum, because it is the cerebellum, ठीक है। These cerebellar hemispheres are made up of, on the peripheral side, अगर हम बाहर से इसको देखेंगे, बाहर से ये बने हुए होते हैं ग्रे मैटर के। Now what is this gray matter? The whole, if we will talk about the whole histology of brain, brain consists of the nervous tissues, but these nervous tissues remains aggregated in two ways. If the nerve cells get accumulated along the nerve cell bodies, agar nerve cells nervous tissue mein join hoti hai aapas mein aur cell bodies khali join hoti hai, then they will form the gray matter.
बिकॉज सेल बॉडीज जब एक दूसरे के साथ मिल जाते तो वहां पे ग्रेइश कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ग्रे मैटर. व्हाइल एज द नर्वस टिश्यू वेयर द नर्व सेल्स के जहां पे मेड्यूलेटेड पार्ट्स और वी कैन से जहां पे मेड्यूलेटेड नर्व्स नर्व सेल्स के माइलिनेटेड एक्सॉन्स जहां पे जुड़ेंगे, बिकॉज माइलिन इज द फैट्स विच आर व्हाइट इन कलर. That's why जहां पे accumulation होगी nerve cells के myelinated parts की तो वहां पे क्या बनेगा, white matter बनेगा. तो interiorly अगर हम cerebellum को देखेंगे जो ठीक है posterior second largest part है brain का, interiorly it consists of a coat, ठीक है, जो white matter होता है. white matter क्या होता है, these are also the grey matter as well as white matter, ठीक है. ये दो जो nervous tissues brain जिनका बना हुआ होता है, ठीक, अगर ये नर्व सेल्स एक्युमुलेट हो जाएंगे सेल बॉडीज की ओर से, ठीक, देन इट विल फॉर्म द ग्रे मैटर. व्हाइल एज इफ द नर्व सेल्स गेट एक्युमुलेटेड अलोंग द मेड्युलेटेड पार्ट्स और वी कैन से माइलिनेटेड एक्सॉन्स गेट एग्रीगेटेड विद ईच अदर, देन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट मैटर, बिकॉज द माइलिन इज अ फैट्स विच आर व्हाइट इन कलर. दैट्स व्हाई वी से वी कॉल इट एज व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर. This cerebellar hemisphere, or we can say cerebellum, consists of exteriorly it consists of grey matter and interiorly जो इसमें core होता है वो बना हुआ होता है किसका, white matter का. Not only this cerebellum, the whole cerebrum is also consists of the peripheral cerebral cortex and वहां पे भी grey matter होता है और interiorly white matter होता है, ठीक. तो interiorly अगर हम cerebellum की बात करें, cerebellum has a branched tree like structure. Called as arbora vitia. Arbora vitia. This arbora vitia is actually this white matter. ठीक है, जो tree like structure होता है interiorly जिसका जो core of cerebellum बनाता है, ठीक. तो अंदर से जो सेरिबेलम होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको हम आर्बोरा वाइटिया के नाम से जानते हैं, ठीक. तो ये वहां पे क्या कहलाता है, द ट्री ऑफ लाइफ. इट इज कॉमनली नोन एज द ट्री ऑफ लाइफ. द ट्री ऑफ लाइफ इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कोर ऑफ सेरिबेलम. द कोर ऑफ सेरिबेलम विच इज व्हाइटिश इन कलर, विच कंटेन्स द व्हाइट मैटर. नाउ द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम. द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम आर, इट हैज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज आस्क्ड इन योर examinations in form of MCQ, which part of the brain is essential for maintaining the postural equilibrium of the body. The cerebellum is the part of human brain, ye wo part hota hai human brain mein jo it maintains posture and equilibrium of body. जब भी बॉडी कोई एक्टिविटी करती है, जैसे हमने कोई फास्ट एक्टिविटी कर दी, हम व्हाइल वी आर रनिंग जंपिंग तो राइडिंग अ बाइसिकल एटसेट्रा, उन सारी एक्टिविटीज में हमारी बॉडी को कौन उस टाइम पे बैलेंस करता है, हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम और होमियोस्टेसिस उस टाइम पे कौन लाता है, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम. सेरिबेलम मेंटेन्स पास्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द मस्क्यूलर एक्टिविटीज, वेरियस मस्क्यूलर एक्टिविटीज. दिस इज द सेरिबेलम पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, दैट इज पॉन्स. दिस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज पॉन्स और वी कैन से पॉन्स वेरोली. ये इंटरकनेक्टेड नर्व्स
नर्वस टिश्यू का बना होता है, छोटा सा एक पोर्शन होता है ठीक, जो मिड ब्रेन से लेके मेडुला ओब्लांगेटा तक कंटिन्यू होता है ठीक, और इसके साइड में भी स्पेस होती है ठीक है, जो कैनाल बीच से जाती है दी सेरिबेलम एंड पॉन्स वेरोलियन मेडुला ठीक है, जिसको हम फोर्थ वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी थी। ये जो पॉन्स होता है, पॉन्स वेरोली दीज आर ऑल मासेस ऑफ नर्वस टिश्यू विच एक्ट्स एज, तो इनका होता है एलॉबरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, विच एक्ट्स एज, इनका काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज रिले सेंटर, ये एज रिले सेंटर का काम करते हैं कि जो मैसेज इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी होती है सेरिबेलम से टू अपर पार्ट्स, एंड इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स इंफॉर्मेशन, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द नर्व इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इट रिलीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेरिबेलम टू अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज रिले सेंटर, इट रिलीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। और ये जो पॉन्स होता है ठीक, और ये बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ओब्लांगेटा के बीच में होता है, इट प्रोवाइड्स ए कनेक्शन बिटवीन सेरिब्रम, क्योंकि ये हमने डाइसेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके ये फिगर समझते हैं, तो ये क्या बनता है, इट प्रोवाइड्स ए कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम मेडुला एंड सेरिब्रम ठीक है, ये एक कनेक्टिविटी बन जाती है जिसका काम खाली इतना होता है, इट रिलेज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस, इट रिलेज द इंफॉर्मेशन अमंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। These are the two parts, one cerebellum which we have discussed and then second one pons, and now we will move to the last part of hindbrain, that is medulla, or we can say medulla oblongata. This medulla is the posterior part, medulla, posterior part of hindbrain which is in contact with spinal cord, or we can say it is continuous up to the spinal cord. It also consists of various nervous tissues, and this medulla part of human brain regulates, or we can say controls, various functions. It has various parts, or we can say various sections, which deals with the, which controls the various function, important functions of human body. This is also called as the involuntary part of the human brain, because it controls the involuntary movements of our body, controls various involuntary movements or activities of body, because this medulla part of hindbrain has, it has cardiac center, the region which is responsible for controlling the rate of heartbeat. So that means कि ये heart beating भी control करता है ठीक है, cardiac center के ओर से, क्योंकि इसमें portion होता है which is called as cardiac center which controls the rate of heartbeat. और दूसरा क्या होता है इसमें, respiratory center भी होता है इसमें, क्या होता है बेटा, respiratory सेंटर। दिस रेस्पायरेटरी सेंटर डील्स विद द रेट ऑफ ब्रीथिंग। दूसरा काम मेडुला का क्या होता है कि ये रेस्पायरेशन जो ब्रीथिंग हमारी होती है उसको भी कंट्रोल कर देता है। दीज आर द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस विच
are controlled by medulla. And the third function of this medulla is that it controls the contraction and expansion of blood vessels. The third function of medulla is it controls the function of, it controls the contraction and expansion of blood vessels. Medulla, which is the largest part of hind brain, which is in contact continuous with the spinal cord and has fourth ventricle on its side. This medulla has some portions just like this. It has a cardiac center which regulates or controls the rate of heartbeat. It has a respiratory center which controls the rate of breathing. It has a portion which deals, or we can say, which controls the contraction and expansion of blood vessels. Instead of these three functions, medulla also has also a relay center for various functions like salivation, swallowing, sneezing, cough, peristalsis, and we can say vomiting. इसमें रिले सेंटर्स भी होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सलीवा, ठीक है, सेलिवेशन जो कंट्रोल करते हैं, स्वेलोइंग जो कंट्रोल करते हैं, स्नीजिंग जो कंट्रोल करते हैं, कफ जो कंट्रोल करते हैं, और पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू गट के बीच में से खारा नीचे आता है, दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, और वोमिटिंग, ठीक है, दीज ऑल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय रिले सेंटर ऑफ मेडुला ओब्लॉन्गेटा. ठीक, तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन. Now in this medulla, it also provides a connection. It also provides a connection with the spinal cord, with the hind brain. ठीक है, तो यहां तक बेटा हमने क्या देखा, this was the structure and function of human brain. So far as this lecture is concerned, इसमें हमने ये सीखा कि humans में जो brain होता है, ठीक है, ये एक delicate, soft, whitish ऑर्गन, इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑर्गन होता है जो प्रेजेंट होता है कहां पे, इनसाइड द क्रैनियल कैविटी ऑफ द स्किल. और ये ब्रेन मेनली बना हुआ होता है तीन पार्ट्स का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. द फोर ब्रेन विच इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, उसके रिगार्डिंग जितनी भी फंक्शंस है, कौन कौन सी फंक्शंस वो कंट्रोल करते हैं और कितने पार्ट्स उसमें है, जैसे सेरिब्रम, उसमें देखा था हमने, उसमें देखा था हमने डाइनसेफेलॉन, और उसमें देखा था हमने ऑल्फैक्टरी लो. उसके बाद से हमने देखा कि दूसरा पार्ट जो ब्रेन का होता है, दैट्स मिड ब्रेन. एंड दिस मिड ब्रेन, आज हमने मिड ब्रेन की बात करी कि ये मिड ब्रेन कंट्रोल क्या करता है, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक. और उसके बाद से हमने तीसरा पार्ट देखा ह्यूमन ब्रेन का, दैट इज हिड ब्रेन. और हिड ब्रेन में क्या क्या चीज हमने देखी, वहां पर हमने देखा ये बना होता है तीन स्ट्रक्चर्स का, एक पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला. द सेरिबेलम विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, उसके रिगार्डिंग जो फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इट कंट्रोल्स द इक्विलिब्रियम एंड पॉस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. देन द पॉन्स विच इज ए कनेक्टिविटी विच कनेक्ट द सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम विद ईच अदर, एंड इट ऑल्सो हैज अ फंक्शन दैट it relays the sensory information from cerebellum to upper parts of the brain. ठीक, और ये pons जो होता है,
कहीं गौर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो पांच होता है इट आल्सो कंट्रोल सम एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो पूरी रेस्पिरेशन को पॉन्स वाला पार्ट कंट्रोल नहीं करता बल्कि ये कुछ फ्यू इट कंट्रोल्स फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। एंड देन वी डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन दैट इज मेड्यूला। एंड मेड्यूला के रिलेटेड कितनी फंक्शंस है, कैसे कितनी फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है उसके बारे में हमने बात की, ठीक है। तो और इसके अलावा स्ट्रक्चर मैंने कोशिश की आपको ट्रांसवर्स सेक्शन समझाने की मिड ब्रेन की, ताकि आपको वो तीनों चीजें याद रहेंगी। आई होप कि आपको ह्यूमन ब्रेन और इस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अच्छी तरह से समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फी अमान अल्लाह।